हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चैनल के केस हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जहां पे वीडियोस तो बहुत हैं लेकिन उनके वीडियो पे व्यू बहुत ही कम है। 500, 700, 800, 900 व्यूज है लेकिन अगर उनके सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 3.5 लाख के आसपास उनके सब्सक्राइबर है। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे बनाया है, कैसे किया है। और एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं कि उन्होंने जो वीडियो बनाया वो सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ना ही उसमें टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। यहां तक के थंबनेल का भी कोई झमेला नहीं है, सिर्फ उन्होंने कॉपी पेस्ट किया अपने चैनल पे और उनके 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। हालांकि उन्होंने मेहनत भी की है, कैसे की है वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में चलिए बता देता हूं। जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है स्मार्ट स्टडी फॉर कैरियर। ये एक चैनल है जिसके 3.5 लाख सब्सक्राइबर है और यहाँ पे आपको उसका होम पेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको उसके जितने वीडियोस दिख रहे हैं आप देखेंगे सबके थंबनेल लगभग एक जैसे हैं, सबका टाइटल भी लगभग एक जैसा है। और मैंने कई सारे वीडियोस को ओपन करके देखा है जिसमें कई वीडियो में तो टैग है ही नहीं, एक भी टैग नहीं है, और बाकियों में अगर कुछ में टैग है तो एक जैसे ही टैग है, 5-7 टैग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इनके एक वीडियोस को, ये इनका एक वीडियो है और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे तो उनका टाइटल है वीडियो के अंदर ही। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन है जो उन्होंने अपने वीडियो में पूछा है, और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनके 4 ऑप्शन है जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा फॉन्ट नहीं है कि जो बहुत स्पेशल हो जिससे कि बहुत अच्छा दिखे। और यहाँ नीचे आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर चलता है। तो होता यह है कि सीधा सीधा इनका सवाल आ जाता है, सीधा सीधा जवाब आ जाता है और यहाँ पे काउंट डाउन टाइमिंग शुरू हो जाती है। जब ये 10 सेकंड का टाइमिंग खत्म होता है तो यहाँ पे इनका आंसर आ जाता है जिसका कलर चेंज हो जाता है। ये दूसरे मैं आपको पेज में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है 1 है और ये कलर चेंज हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आंसर से जुड़ा हुआ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मटेरियल है ये आपको गूगल से मिल जाएगा, आप सारी चीजें गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल वीडियो है। और एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इनके वीडियोज में कोई भी साउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है, कोई म्यूजिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनका काउंट डाउन जो चलता है उसमें ब्लिंक आता है, टिंग 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 10 बार होता है बस, और कोई साउंड नहीं है। और यहाँ पे इनके जो नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे इनका जो ये टाइटल है आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी सेम सेम है और टाइटल भी सेम सेम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा, आप ध्यान से देखिए इस चीज को, ये जो है मेहनत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये दिन में 2 वीडियो डालते हैं लगातार, पिछले 1 साल का हिस्ट्री मैं इनका देखा हूँ, 1 साल से इन्होंने लगातार 2 वीडियो दिन के डाले हैं। यहाँ पे देखिए एक वीडियो तो वो होता है जैसे यहाँ पे #412 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इनका 412 नंबर ये वीडियो है। उसके बाद इन्होंने उसी दिन एक और वीडियो डाला और उसमें जो लिखा हुआ है वो है सिर्फ डेट 3rd September 2020। तो एक दिन में ये 2 वीडियो डालते हैं, एक वीडियो पे इनका वीडियो का नंबर होता है कि कौन सा वीडियो है आज का, और एक वीडियो पे उस दिन का डेट होता है। ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा एक और देखने वाली चीज है, आप इनके अगर वीडियो की टाइमिंग देखें कितना बड़ा वीडियो होता है, तो यहाँ पे देखिए एक वीडियो इनका 10 मिनट 20 सेकंड का है और दूसरा वीडियो इनका 5 मिनट 20 सेकंड का है। तो पूरे चैनल में आप देखेंगे 10 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड, इससे न कम न ज्यादा। इनके सारे वीडियोस अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इनके सारे वीडियो 10 मिनट 20 सेकंड के होते हैं या फिर 5 मिनट 20 सेकंड के होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर मैं व्यू दिखाऊं इनके, तो यहाँ पे देखिए जो व्यू है, यहाँ पे 1000 व्यू है, यहाँ पे 530 व्यू है, 864 व्यू है। तो इस तरह से देखेंगे तो इनके लगभग 1000 के नीचे ही व्यू होते हैं। मैंने इनका 1 साल का डाटा देखा है, 1 साल का वीडियो मैंने स्क्रॉल कर करके देखा है, तो मुझे पता है क्या देखा, 1 साल के वीडियो में इनके सिर्फ 2-3 ऐसे वीडियो है जिसपे ज्यादा व्यू है। ज्यादा व्यू का मतलब एक वीडियो पे 16,000 व्यू है, एक वीडियो पे 9,000 व्यू है और एक वीडियो पे 4,500 व्यू है। इसके अलावा मुझे 10 से 15 ऐसे वीडियो मिले जिसपे 2,000 से लेके 4,000 के बीच में व्यू है। और उसके अलावा 350 से 400 वीडियो मुझे ऐसे देखने को मिले जहाँ पे व्यू 1,000 से कम है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपके वीडियो पे अगर लाखों करोड़ों के व्यू आते हैं तभी आप सक्सेस होंगे, ऐसा मानना गलत है। 400, 500, 800, 900, 1000 अगर ऐसे भी व्यू आपके चैनल पे आते हैं तो आप समझिए आपका चैनल ग्रो हो गया है। और उसका ये जीता जागता ये चैनल उदाहरण है। जिस बंदे के चैनल पे, जिस बंदे के वीडियो पे 500, 700, 1000 व्यू आते हैं लेकिन इसके 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप इस तरह का चैनल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली 2 से 3 वीडियो डालना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे सवाल गूगल में सर्च करने पड़ेंगे। अगर आपका चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक नया चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस पे एक नया चैनल बना सकते हैं। देखिए व्यू ज्यादा आते हैं ये
बढ़ाने तो लगता है, लेकिन आज के टाइम में जब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, अगर आपके वीडियोज पे 1,000 व्यू आने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप ग्रो होना शुरू हो गए। ये जो वीडियो बनाते हैं ना, असल में ये पावर पॉइंट का टेम्पलेट है, जैसे टेम्पलेट मैं आपको बना के देता हूँ सेम वही है, और इसमें टाइमर लगा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह का वीडियो बनाना, तो मैं आप अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर इस पे 100 से ज्यादा लाइक होंगे इस वीडियो पे, तो मैं ऐसा टेम्पलेट बना के आप लोगों को दे दूंगा जो कि बहुत सिंपल होगा, और इसे आप मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं, इतना सिंपल ये टेम्पलेट है। तो आप इस तरह से इनके चैनल पे आके एक बार आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप समझ सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। इसका मटेरियल पूरा का पूरा आपको गूगल से मिल जाएगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।